Ok, जी अच्छा, मैं पहुंच गए तकरीबन 65 किलोमीटर, तकरीबन मेरा अंदाज़ा कि हमने कर लिए हैं। अभी पीर गली में खड़े हैं और धुंध धुंध की वजह से शायद मंगला डैम उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा जैसे कि एक साफ शफाफ दिन में नज़र आता है। तो ऐसा है कि हम आपके आपके लिए ही बना रहे हैं। तो ऐसा है कि इरफान साहब, साहब हमारा काफला जो कल 13 तारीख दिन 2:30 बजे रिट्टा से रवाना हुआ था, और हमारे दो साथी जो शजा के मुकाम से उनकी तबीयत खराब हुई एक थी, उनके साथ गए वो बिल्कुल अस्पताल में इस वक्त, और हम इस वक्त फिर गली के मुकाम पर खड़े हैं। इधर से हमारा जो सफर मीरपुर का बाकी रहता है वो तकरीबन 35 किलोमीटर बाकी है। हमने सही 64 किलोमीटर सफर जी जो हमने रात की तारीकी में तय सही। कर लिया है, रात आगे चलते चलते जाएं, चलते जाएं जी। की तारीकी में हमने तय किया है। क्या गस्ट ऑफ विंड जी सही 3 और 4 घंटे में ये सफर हम मुकम्मल कर लेंगे, छोटी और इंशाल्लाह मुझे दे दे। हमारा ये काफला जो मीरपुर की तरफ और पीर गली से रवा दवा है, और हम बहुत जल्द मीरपुर पहुंचेंगे, और हमारे जो मकूजा कश्मीर से आए हुए हमारे जो साथी हैं और मेहमान हैं हम उनको मिलेंगे और उनको अपने साथ लेकर उनकी जो आबा अजदाद की जमीनें थी और धरती थी वो उस जगह पर हम उनको पहुंचाएंगे, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मीरपुर पहुंचने वाले हैं। बड़ा सा भूल हो गया मेरे जी। पाँव, एक सेकंड, पाँव में मेरे पाँव में छाले काफ़ी पड़ गए हैं और इसी तरीके से मैं इसलिए मैं यहाँ से चल रहा हूँ। पहुँच जाएंगे हम, क्योंकि हमने 3 हिस्सों में से 2 हिस्से उर्दू में कर चुके हैं, 2 थर्ड्स। ये तो हमारा मिठाई ये बोर्ड लगा हुआ है जो खुदा हाफिज हो रहा है, पुलिस चेक पोस्ट पीर गली। रात से इस वक्त तक हमने 65 किलोमीटर सफर तय किया है। हमारे जो मीरपुर में जिस तरीके से रियासती दहशतगर्दी हाँ की गई, जी रियासती जारी दहशतगर्दी रखें, की गई आप ले आए। जो हमारे उस हिस्से से आए हुए धरती मांग के बेटों को जेल की सलाखों में डाल दिया गया, नहायती गुंडागर्दी की गई। हम इसीलिए हम सरापा एहतजाज भी हैं, और सही हमें 65 किलोमीटर जो रात को पैदल सफर किया है, हमने इसे एक अवेयरनेस वॉक भी रखा है। जी हम आते हुए मुख्तलिफ लोगों से मिले हैं, बल्कि हम जहां हमने रात को हमने कहवा पिया वहां पर भी जब उन्होंने सुना कि ये लोग इस मकसद के लिए निकले हैं, तो उन्होंने हमें ये कहा कि आप अजीम लोग हैं, जो आप जो वहां के आए हुए जो हमारे मेहमान हैं उनसे उनके लिए आप बाहर निकले हैं और वहां सफर कर रहे हैं, सही ठीक है। और आप यहाँ एक तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने हमारी इस बात को सराहा, और साथ ये भी ये क्रेटा से हमें मैसेज दिया गया जो लोग हैं वो बेताबी से और विजय अब जी आपका तो फेसबुक के जरिए और टेक्स्ट मैसेजिंग के जरिए से भी बहुत सारे हिम्मत और हौसला देने वाले मैसेजेस आए हैं, और उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम अगला हमारा हदफ है ये चोड़ी जो एक सड़क जाती है कोटली की तरफ और एक मीर की तरफ, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा नाश्ता करेंगे और वहाँ पे हम अपनी पब्लिक एक्टिविटी जो है और जो हमारा बैनर है उसको हम मुतहर्रिक करेंगे। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।